नमस्कार, गुड मॉर्निंग या धुआं और क्या। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं प्रद्युम्न सिंह बात फिर एक नए ब्लॉग के साथ। जिला चमोली और साथ में है मेरा ये उज्जड़ बेटा, देखो इसकी हरकतें। जितना कैमरे में कैद करूँगा उतना कम है। काफ़ी वीडियो हैं इसके, तो कृपया इसके वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसकी शैतानी, देखिए ये देखिए, ये अपना चेहरा इसमें देख रहे हैं, देखो। अब फिर इसको बजा रहे, ये देखा क्यों कर रहा। तो हाय दोस्तों, तो आज मॉर्निंग का समय है, आज हम बना रहे हैं। ये देखिए आज यार सुबह सुबह ड्यूटी लग गई है, बोला है सब्जी बनाना। ये देखो तो कद्दू की सब्जी है। मजबूरत मुझे आज सब्जी का काम करना पड़ रहा है। और ये देखो पहाड़ी चूल्हा, ठीक है। तो इसमें आग जलाना बहुत मुश्किल है, हाथ जलना और धुआं लगता है। तो आज मैं बना रहा हूँ खाना, देखिए। और इसकी मम्मी आज श्रमदान में चलेगी, क्योंकि आज श्रमदान है और उसके बाद घास काटना है। तो मेरी ड्यूटी लग गई आज खाने बनाने में, तो मैं बनाऊंगा खाना। और ये रुद्दू है, शैतान बहुत परेशान कर रहा है, देखिए। शैतान के साथ भी रहना पड़ता है, आपको तो पता ही है। तो मैं आपको शैतान दिखाता हूँ, देखिए शैतान यहाँ पर बैठा है। ये देखिए ये घर के कद्दू की सब्जी है, हमारे उधर कुमाऊँ इसको बोलते हैं और कुमाऊँ में इसको कद्दू बोलते हैं। ये देखिए भाई, इसको संभालना बहुत ही मुश्किल का काम है, चैलेंज है। और इसकी दादी कैसे इसको संभालती है, बाप रे, इसकी दादी के लिए सलूट है। उनकी तबीयत खराब होने की दादी इसको शैतान बच्चे के साथ मत बजा। तो भाइयों मैं आटा निकालता हूँ, ये देखिए परात आटा निकालता हूँ, आटा गूंथूंगा। और ये भाइयों मुझे लग रहा है पक गई है, पक के तैयार हो गया। मैं इसको हटाऊँगा, उसके बाद मुझे ये आटा गूंदना है। ध्यान दे रहे हैं तो कि लाइट का बिल आजकल हमारे पहाड़ में ज़्यादा है, सारे डैम हमारे पहाड़ में, और बिजली का बिल का लोड भी हमारे पहाड़ वालों को। दुनिया वाले फ्री, जिनके वहाँ कुछ नहीं है उनको फ्री मिल रहा है, और हमारे पहाड़ को लाइट का बिल देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको ऐसे बंद करना पड़ता है, दुगना तिगुना बिल आ रहा है। हैं नहीं नहीं रोटी बना रहा हूँ, सब्जी बन गई मेरी। और देखो मम्मी आ गई, ये सब्जी बन गई। सब्जी मैं हटाऊँगा अभी, क्योंकि पक गई है। ऐसे उठाते हैं, ये देखिए ये स्टाइल पहाड़ का, कढ़ाई उठाने का। अब इसके ऊपर ढक्कन रखना बहुत जरूरी है। आटा गूंद रहा हूँ मैं, आग देखो धुआं हो गई, थोड़े से भी घर का चूल्हा ऐसे कि धुआं बहुत होता है, और यहाँ ज़्यादा गैस यूज़ नहीं कर सकते भैया, गैस के रेट भी बहुत हाई हैं, ठीक है। ऊपर से लॉकडाउन के पास नौकरी भी ढंग की नहीं है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल तो नौकरी नहीं है अभी, देखेंगे क्या होता है, गर्मी बनाएंगे खाना। और ये देखिए मैंने लगभग इसको भून दिया है, इसको अच्छे से मारना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को थोड़ा गीला आटा चाहिए, क्योंकि हाथ से बनाते बेलन से नहीं बनाते। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कैसे मम्मी फटाफट रोटी बनाती है, और हाथ की रोटी बेलन की जैसी रोटी होती है। ये प्रणाम बोलेगा, बोल तो प्रणाम, प्रणाम करे करे बेटा, पढ़ना मरना कुछ नहीं करेगा। ये देखो छोटा है लेकिन उजड़ है बहुत। तो अभी हमारा रोटी का प्रोसेस चल रहा है। ये देखो ये इसकी हरकत, बाहर भाग के ये भैंस में बैठा हुए हैं, ये गिले बैठे हुए माँ पे। और भैंस भी उसको कुछ नहीं बोला, जबकि मारने आता आजकल। ये देख रहे गोला गोला, तू कहाँ पे कौन हो चुनू? चुनू कौन हो? तू है माँ पे के लिए बैठ था,
क्यों बैठा उसके ऊपर, उसके ऊपर से क्यों बैठा तू है? चुन्नो कानू माओ थप्पा क्यों बैठा उसके ऊपर से है? वैसे हम लोग तो एक एक रोटी खाते हैं, लेकिन इसके लिए उसके लिए बनाना पड़ रहा है। और ये देखिए अच्छी आग जली हुई है, ये बांस की लकड़ियां हैं। हमारे इधर बांस बहुत होता है, बहुत क्या होता है कि बांस का पूरा जंगल ही हो गया गांव, और जो बांस काटते होते इतनी गहरियाँ, मतलब ये घेड़ी टाइप की हो जाती है। और अब हमने बना लिया है, लगभग फिनिश होने वाली है रोटी, फिर उसके बाद हम खाएंगे रोटी। और सब्जी बनी है, सब्जी पता नहीं कैसी बनी है। सब्जी मैंने बना रखी है, विश्वास है कि काफ़ी अच्छी होगी, टेस्टी होगी। और ये रोटी बन रही है थोरी के लिए, जो भैंस का बछड़ा होता है छोटा वाला, उसके लिए रोटी बन रही है मोटी सी। देखिए ना ऐसी रोटी, बहुत ही मोटी और थोरी के लिए रोटी बन रही है। और इसको ऐसे आग के नज़दीक में पकाया जाता है, पूरा आग है, आग के इस कोने कोने में इसको हम ऐसे रोटी बनाते हैं। और एकदम मस्त रोटी बनती है, जो पूरा आग के उससे पकती है। ये बार बार सब्जी के साथ छीट रहे, ये ऐसा उजड़ बन गया, क्या बताऊँ उसको। मत कर बोलो, अरे जब मत कर बोला तुम सुनने में याद आ, देखा मत थप्पड़। और हमारे घर में मेहमान आ गए आज, प्लास्टिक का डब्बा लेके। और हमारे वहाँ रिवाज है कि अगर कोई लेके जाता है, मुंगरी भी आ गई, वो डब्बा खाली नहीं देता, उसमें कुछ ना कुछ डाल के देना पड़ता है। और ये मुंगरी यहाँ पैसे भी आ रखे भैया, आज तो अमीर बन गए हम लोग, कहीं से पैसे मिल रहे पैसे। अच्छा, और ये उज्जड़ ने उसको आते ही गिरा दिया, देखो भाई साहब। फिर यहाँ भाग गया, देखो अभी मैं इसको यहाँ से लेके आया, ये यहाँ सो गया है भैंस के साथ। तीनी करे, और ये भैंस के साथ थोड़ी को भी कोई वो नहीं है, वो काफी इंटरेस्ट ले रहा है। ये देखे, ये देखो कैसे सो रखा है। अब वो उठेगा, उसको पकड़ो, उठो न्यू का बोल का? तू किले जाओ माँ बे है, बार बार किले जाओ माँ बे, वो मारेगा ना। चलो बाय कर दो, खा बोल ये तोरी, खा बोल है ये तोरी, खा बोल। अच्छा बात, खा बोल फिर आऊंगा, हाँ बोल है, बोल फिर आऊंगा, हाँ हाँ। और ये देखो इनको बोले, ये लग तो रहे हैं कि खटमल जैसे, लेकिन नहीं खटमल नहीं है, गौर से देखो इसको। हाँ इसको बोलते हैं ग्वाल दीदी के बाखर, लोग बोलते हैं मतलब तलपता के बाखर है, पाताल लोग के बकरियाँ हैं ये, आजकल बरसात में बाहर निकलते हैं। एक्चुअली ये कीड़े हैं, और ये किसी बकरी वकरी तो मुझे लग नहीं रहा है, बकरी वकरी कुछ हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक साथ एक झुंड में रहती है बकरियों की तरह। अरे ये देखो ये उल्लू को, ए ना का ऐसे ऐसे, ये देखो ये देखो, ए भागो भागो, ए क्यों मारा उसको, क्यों मारा है, क्यों माया आजी। तो इसके उजड़ कितने समझ गए होंगे आप लोग।